Hello everyone and welcome to Chili's and Donuts. So today I am here Sia Batwa studying in Standard 9 and today we are going to learn about the classification of cells. So on the basic level, cells are mainly of two types, that is prokaryotic and eukaryotic. So जब हम prokaryotic cells के बारे में बात करते हैं तो prokaryotic cells मतलब जो before kernel होते हैं, kernel मतलब nucleus, एक ऐसे cells जिनका जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं रहता है. वो किसी भी ऊपर नीचे कैसे मतलब कैसे भी तरीके के शेप में रहते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है. और अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे बात करेंगे तो हम बैक्टीरिया को ले सकते हैं, है ना. बैक्टीरिया, अब जो बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में जो 90% ऑफ सेल रहता है ना, 90% ऑफ सेल हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया से ही कवर्ड रहते हैं. और मेनली जो ये बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, ओके. और हमारा अर्थ भी ऑलमोस्ट इन बैक्टीरिया से ही कवर्ड है, बैक्टीरियल सेल्स से ही कवर्ड है, ओके. एंड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ऑन द नेक्स्ट कंक्लूजन, व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, सो मेनली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन वो आफ्टर कर्नल होते हैं. आफ्टर कर्नल मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफाइंड रहते हैं, वो प्रॉपर शेप में रहते हैं. और उनके एग्जांपल्स के तौर पे बात करेंगे तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी. ये वीडियो फिनिश होता है. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.